गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपन थायरोइड चल रहा था और मैंने आपको थायरोइड की प्रिपरेशंस बताई थी, जिसमें मैंने आपको एसिटाइलिन से बताई थी प्रिपरेशन एक तो, ठीक है। दूसरी अपन ने इसकी पाल नॉट प्रिपरेशन भी करी थी, पाल नॉट सिंथेसिस, जिसमें अपन ने N2S5 के साथ रिएक्शन कराई थी। आज अपन इसकी एक सिंथेसिस करेंगे, दैट इज हेंसनबर्ग मेथड। हेंसनबर्ग मेथड, ओके। देखो हेंसनबर्ग मेथड में एक तो लेते हैं 1,2-diketone, ठीक है, और इसकी रिएक्शन कराते हैं थायो ईथर के साथ, तो क्या बनता है, थायोफिन बनता है, ठीक है। तो देखो 1,2-diketone में आपको पता है फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे ही कार्बोन है, ये हो गया ये R और ये हो गया R डैश, ठीक है। इनको कार्बोनिल्स को नेचर बना लेते हो ताकि आपको प्रिपरेशन में जब अपन कुछ निकाले तो आराम से दिखा सकते, ये R और ठीक है। दूसरा अपन ने लिया थायोइथर, तो थायोइथर को भी मैं इधर बना रही हूँ, देखो ये एच एस पे लगा हुआ है, 2H है, या वैसे भी लिख सकते हो एक ये लगा हुआ है एक और, ठीक है। और ये थायोइथर में देखो क्या होता था, बीच में सल्फर होता है 2CH3 के बीच में, तो यहाँ पे आप बोल के CH3 लिखो ताकि एलिमिनेशन में अपन को ये समझो, ये CH3 है तो आप देखो यहाँ से H2 निकल जाएगा और यहाँ से भी ये क्या निकल जाएगा H2। थायोइथर कैसे बनाया मैंने, CH3SCH3 थायोइथर हो गया, क्योंकि ईथर होता है तो ये ईथर होता है, एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा थायोइथर, तो H2 निकल गए, तो इससे क्या हुआ 2H2O के मॉलिक्यूल निकल गए। तो ये अपन ने 1,2-diketone ये वाला ले लिया, थायोइथर ये अपन ने ले लिया, और H2O जब निकल जाएगा तो आप देखो थायोफिन बन जाएगा, ये ऊपर आ रहा है ऐसे कैसे है, ठीक है। फिर ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे आप नीचे क्या रह गया, देखो डबल बॉन्ड के साथ अब कौन आया है, कार्बन, ये वाले कार्बन, और ये इनसे जुड़े हुए हैं सल्फर, तो थायोफिन बन गया। तो ये है हेंसनबर्ग मेथड, जिसमें हम लेते हैं 1,2-diketone और थायोफिन, और H2O निकल जाता है और ये पूरा इसके साथ जुड़ जाएगा तो थायोफिन बन जाएगा, ठीक है। तो एक है ये हेंसनबर्ग मेथड इसकी प्रिपरेशन का। चौथा जो प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम स्टिल्बिन। स्टिल्बिन आपको पता होना चाहिए क्या होता है, फ्रॉम स्टिल्बिन, ठीक है। स्टिल्बिन होता है ये, ठीक है। तो स्टिल्बिन में आप देखो इसके दो मॉलिक्यूल लेते हैं अपन और इसके रिएक्शन कराते हैं यहाँ पे 3 सल्फर के साथ, तब रिएक्शन, ठीक है। तो आप, मैं इस तरह से ये स्टिल्बिन रिएक्शन करा रही हूँ, किस तरीके से होगी ये बताने के लिए ऐसे लिख रही हूँ, देखो दो स्टिल्बिन को ये लिख लिया मैंने, एक स्टिल्बिन का और यहीं पे फिर अपन ये दूसरे स्टेटमेंट का मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका है 1 सल्फर, तो होगा क्या, देखो सबसे पहले रिएक्शन कैसे होगी, ये यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ, और जो सल्फर के लोन पेयर है वो यहाँ से यहाँ, तो जुड़ जाएंगे आपस में और क्या हो जाएगा, अब बनेगा क्या, देखो इस तरीके से बन जाएगा, ये सल्फर यहाँ जुड़ गया, यहाँ से बॉन्ड हट गए, बॉन्ड हट गए, यहाँ पे भी देखो C6H5 है, C6H5 है, C6H5, C6H5,
ठीक है, प्लस एक एक यहाँ पे हाइड्रोजन भी बचे हुए, देखो हर एक पे एक हाइड्रोजन, तो तीन सल्फर थे, एक सल्फर काम आ गया। अब क्या होगा, तो बचे हुए दो सल्फर हैं उनके साथ दो एच तो ये निकल जाएंगे और दो ही एच ये वाले निकल जाएंगे, तो एच टू एस निकल जाएगा, इधर से भी एच टू एस निकल जाएगा, इधर से भी एच टू एस, तो दो एच टू एस के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, थायोफिन बन जाएगा, जो कि हर जगह कौन से ग्रुप से लगा हुआ है, फिनाइल ग्रुप से लगा हुआ है, आप कह सकते हो इसको 2, 3, 4, 5 टेट्राफिनाइल थायोफिन। तो स्टिलबिन से, स्टिलबिन ये होता है जब आपका जो डबल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड सी है, उसके साथ क्या लगा हुआ है, C6H5। स्टिलबिन का एग्जाम्पल आपने यूवी में पढ़ा हुआ होगा लास्ट ईयर सेकेंड ईयर में। तो स्टिलबिन अपन ने इसमें लिया है, सबसे पहले इस तरह से ये सैचुरेटेड बना हुआ मॉलिक्यूल जिसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, ये जब जुड़े तो, और फिर H2S अपन ने निकाल के इससे क्या बना गया, थायोफिन बना गया। ओके, तो ये है फ्रॉम स्टिलबिन। फिर एक है फ्रॉम ब्यूटाडाइन, एक है फ्रॉम, वो है फ्रॉम ब्यूटाडाइन, ठीक है, ये आपने लिया ब्यूटाडाइन हो गया, ये 1, 2, 3, 4 तो ब्यूटा और दो ईन है तो ब्यूटाडाइन हो गया, ठीक है। इसके रिएक्शन अपन दो सल्फर के साथ करेंगे, तो एक सल्फर तो क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे है CH2, ये कार्बन और CH2, ये वाले कार्बन CH2 है, तो एक सल्फर तो H2S के फॉर्म में निकल जाएगा और दूसरा सल्फर यहाँ पे जुड़ जाएगा, इस तरीके से थायोफिन बना, एक सल्फर जुड़ जाएगा और एक सल्फर जो है वो H2S के फॉर्म में निकल जाएगा, तो ये ब्यूटाडाइन से सिंथेसिस, तो ये आपकी सिंथेसिस पूरी हो गई है। अब हम इसे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थायोफिन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो देखो थायोफिन भी पाइरोल और फ्लोरीन की तरह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, और वो भी कौन सी पोजीशंस पे ही देता है, 2 और 5 पे ही देता है, ये थायोफिन हो गया इसके अंदर ये दो लोन पे, ये 2, 1, 2, 3, 4, 5 2 और 5 पोजीशन, जिन्हें कि अल्फा भी बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों अल्फा होते हैं और ये बीटा होते हैं, अल्फा पोजीशन, इन्हीं पे ही इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करता है, 3 और 4 पे नहीं करता, ये अगर बहुत बार रीजन देख चुके हैं, क्योंकि 2 और 5 में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा बनते हैं किसके कंपेरिजन में, 3 और 4 के, इसलिए 2 और 5 में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, सेम वैसे ही जैसे अपन ने पायरोल और फ्लोरीन में देखा, ठीक है। अब इसकी कुछ रिएक्शन देख लेते, क्योंकि ये तो आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ। तो देखो रिएक्शंस भी मोस्टली वही हैं जो अपन ने औरों में पढ़ी थी, जैसे आपको ध्यान होगा मैंने आपको पहले भी बताया था, एक अच्छे से कर लो आप नाइट्रेशन, आपको पता है नाइट्रेशन कैसे करते हैं, नाइट्रेशन में मैंने बताया कभी भी इसमें अपन HNO3 या H2SO4 दोनों नहीं देते, क्योंकि पायरोल फ्लोरीन और थायोफिन तीनों एसिड सेंसिटिव होती हैं, अगर आप HNO3 H2SO4 लोगे तो वो पॉलीमराइज हो जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा माइल्ड एसिडिक लेते हैं, यहाँ पे या तो अपन लेते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड और HNO3 ले लेते हैं, ठीक है, या एरोमेटिक, इन दोनों से मिलके अपन ये भी लिख सकते हैं एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है, इसे बोलते हैं एसिटाइल नाइट्रेट, ये भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों आप ले सकते हो, या तो एसिटिक एनहाइड्रेट HNO3 या एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है, ये नाइट्रेट भी यहाँ पे क्योंकि ये ऑक्सीजन इधर है या NO2 है, CH3C डबल बॉन्ड NO। ओके, अब इसमें होता क्या है आपको बताइए, जो थायोफिन है उसकी सेकेंड पोजीशन पे क्या लग जाएगा, NO2 लग जाएगा, तो ये हो गई नाइट्रेशन,
उसी तरीके से देखो सल्फोनेशन में भी आपको पता है सल्फोनेशन में अपन क्या लेते हैं, सल्फोनेशन में एसओ थ्री पीरीडीन लेते हैं ज्यादातर केसेस में, एसओ थ्री पीरीडीन। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एसओ थ्री मैच लग जाता है, ठीक है। फिर हेलोजिनेशन करा लेते हैं, देखो हेलोजिनेशन में अगर मैं क्लोरिनेशन करवाएं अगर अपन, तो क्लोरिनेशन में ज्यादातर थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड। एसओ सी एल टू लेते हैं और साथ में सी एल टू लेते हैं, तो जो क्लोरिनेशन होता है वो या तो दोनों पोजीशन पे भी हो जाता है और कई बार एक पोजीशन पे भी होता है। तो इस तरह से क्लोरिनेशन भी करा सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे ब्रोमिनेशन में वैसे तो अपन बी आर टू और डाई ऑक्साइड लेते थे, देखो मैंने आपको बताया है ऐसे, लेकिन कई बार ब्रोमिनेशन के लिए एक होता है रिएजेंट एन बी एस, इसे एन बी एस कहते हैं, इसका नाम होता है एन ब्रोमो सक्सिनी इमाइड, एन ब्रोमो सक्सिनी इमाइड होता है। ये होता क्या है, ये होता है ये इस तरीके से सी एच टू सी एच टू सी डबल बॉन्ड एन बी आर। सक्सिनिक एसिड आपको पता है ये जो होता है, ये सक्सिनिक एसिड होता है, ठीक है। तो सक्सिनिक एसिड से ही बना है, इसीलिए एन ब्रोमो सक्सिनी इमाइड बोल दिया है इसको, ठीक है। तो ये एन ब्रोमो सक्सिनी इमाइड होता है, जिसे कि एरो के एन बी एस भी लिखते हैं, ये भी ब्रोमिनेशन के काम आता है। और क्या हो जाएगा, यहाँ सेकंड पोजीशन पे क्या लग जाएगा, बी आर लग जाएगा, ठीक है। आइड्रोनेशन के लिए आप सीधी आई टू के साथ रिएक्शन करा सकते हैं, तो इसका आइड्रोनेशन हो जाएगा, ठीक है। आइड्रोनेशन में भी सेकंड पोजीशन पे आई आईडी लग जाएगी, आई लग जाएगा आई। तो ये अपनी मोस्टली सिंपल जो प्रिपरेशन मोस्टली अपन सब में देखते हैं। फिर आप देख सकते हो एसाइलेशन फिडलग्राफ जिसे अपन बोलेंगे, फिडलग्राफ रिएक्शन, ठीक है। तो फिडलग्राफ कैसे कराते हैं अपन, तो देखो जैसे ये थायोफिन है, तो फिडलग्राफ में अगर आप असाइलेशन कराते हो, असाइलेशन में आपको पता है क्या जुड़ता है, ये ग्रुप जुड़ता है, तो असाइलेशन कराते हो तो आप एसीटाइल क्लोराइड ले लो और साथ में क्या ले लो, SnCl4 ले लो, जो कि इसको इलेक्ट्रोफाइल बनने में हेल्प करता है। और फिर यहाँ पे ये लग जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बनने में हेल्प करता है, ये Cl को निकाल देता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया और ये अटैक कर देगा इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरीके से ये हो गया असाइलेशन। असाइलेशन एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में भी करा सकते हो, ये भी असाइलेशन कराने के काम आता है ना। एक होता है एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन ओके। फिर आप असाइलेशन और एसिटाइलेशन तो एक ही बात होगी, अब हम एल्काइलेशन भी करा सकते हैं। एल्काइलेशन मतलब एल्काइल ग्रुप जोड़ना, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ये एक इस तरह का एल्कीन ले लो, ठीक है। एल्कीन जब आप लेंगे तो आपको पता है एल्कीन जो होते हैं इसमें देखो यहाँ नेगेटिव आएगा तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि यही वाला पॉजिटिव बनेगा, ज़्यादा स्टेबल है कार्बन है, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन दे देगा। तो आप ये देखो यहाँ पे ये सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, यहाँ से ये जुड़ेगा सी तीन इस दो इसके साथ लगे हुए हैं और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। फिर यहाँ से आपको पता है जब अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन कराते हैं तो रिएक्शन कैसे होती थी, पहले ये यहाँ जाता था, ये यहाँ जाता था, ये तब लगता था, और फिर यहाँ से अपन एच निकालते थे तब वापस रेजोनेंस होता था, तो वो एच यहाँ जाके लग जाएगा। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, सी एच थ्री हो जाएगा, तो एक टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है वो जुड़ जाएगा इस तरह, ये होता है टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। तो इस तरीके से एल्काइलेशन भी करा सकते,
आप रिएक्शन भी कहते हैं, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन, मतलब इस तरह से कार्बो कैटायन बनेगा नहीं, वैसे तो सीधा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेंगे और ये इधर शिफ्ट होगा और फिर वो जो H निकलता था वो H इस पे आके जुड़ जाएगा। तो ये सिंपल ग्राफ रिएक्शन में भी आप एल्काइलेशन या एसिटाइलेशन बता सकते हैं, ठीक है। फिर वो सारी रिएक्शन और भी आपने पढ़ी थी, देखो एक मैनिश रिएक्शन भी आपको याद है, तो मैनिश रिएक्शन, ठीक है, एम ए डबल एन आई सी एच, मैनिश रिएक्शन में क्या होता था, देखो यहाँ पे ये जैसे आपने थायोफिन लिया, फिर मैंने आपको बताया था एक लेते हैं अपन फॉर्मल डिहाइड लेते थे और एक अपन ने मान लो ये ले लिया सेकेंडरी अपन, तो होगा क्या H2O निकल जाएगा और ये मैंने बताया था यहाँ आप एच को एक ये वाला एच को और एक वाला, तो H2O निकल जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा CH2NR, ठीक है। तो ये हो गई इसकी मैनिश रिएक्शन। उसी तरीके से देखो एक अपन ने रिएक्शन कराई थी, आपको ध्यान हो तो NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड के साथ, ठीक है, ये है NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड प्लस POCl3 के साथ अपन ने रिएक्शन करवाई थी, तब यहाँ पे क्या लग गया था, यहाँ आ गया था फॉर्माइलेशन हो गया था, CHO लग गया था, ठीक है। ये जो रिएक्शन होती है इसे अपन कहते हैं, जो रिएक्शन होती है इसे अपन कहते हैं विल्स मीयर हैक रिएक्शन, ओके। तो ये आपको ध्यान दीजिए, इसमें अपन ये NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड कहते हैं, ऐसे NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है। तो इसके साथ ये वाला जो ग्रुप है ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है और ये निकल जाता है, ठीक है। ऐसी गाटरमान कोच रिएक्शन आपको ध्यान होगा HCN और HCl से करवाई थी अपन ने, उसमें भी फॉर्माइलेशन होता है, HCN HCl और CHO लग जाता है, वो रिएक्शन भी आप बता सकते हो। तो ज़्यादातर वही रिएक्शन हैं जो कि अपन ने फ्यूरेन और पायरोल में पढ़े, ठीक है। अगर डाइन कैरेक्टर नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी,
अब पाइरोल और थायोफ्रीन ये रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि आपको पता है थायोफ्रीन जो होता है वो तो सबसे ज्यादा एरोमेटिक है। मैंने एक लेक्चर में आपको बताया भी था कि थायोफ्रीन जो है वो सबसे ज्यादा एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि वो अपने 3D और 3P दोनों ऑर्बिटल्स को यूज करता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए, इसलिए सबसे ज्यादा एरोमेटिक होता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही नहीं रुके हुए, इतने ज्यादा घूम रहे कि अवेलेबल ही नहीं है एज ए डाइन। और जो पाइरोल है, पाइरोल जो है उसमें भी क्या होता है, क्योंकि नाइट्रोजन अपने लोन पर इजिली दे देता है, इसलिए रेजोनेंस क्या है, ज्यादा है। लेकिन फ्यूरेन में क्या होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देना चाहता, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन देता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वो इसे बहुत ज्यादा अनस्टेबल बनाता है, इसलिए इसमें रेजोनेंस थोड़ा कम होता है और डायन कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो ये डील सेंटर रिएक्शन दे देता है। तो कई बार जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्यों फ्यूरेन डील सेंटर देता है और थायोफ्रीन और पाइरोल नहीं देते, तो आप ये बता सकते हो कि डील सेंटर रिएक्शन में जो डाइन कैरेक्टर होना चाहिए, ये जो बॉन्ड्स हैं ये काम आती है डील सेंटर कराने के लिए, तो इसे बोलते हैं डाइन, तो डाइन फॉर्म में होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या है, थायोफ्रीन में रेजोनेंस इतना ज्यादा है कि ये दोनों बॉन्ड्स इजिली अवेलेबल नहीं है। पाइरोल में भी रेजोनेंस ज्यादा है क्योंकि नाइट्रोजन आसानी से अपने लोन पेयर दे देता है, रेजोनेंस करवाता है। फ्यूरेन में कम है क्योंकि फ्यूरेन में जैसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देता है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, जो कि ऑक्सीजन बियर नहीं करना चाहता, अपने ऊपर नहीं रखना चाहता, इसलिए रेजोनेंस कम होने के कारण इसमें डायन कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो ये डील सेंटर रिएक्शन दे देता है। इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसका रीजन पूछ लिया जाता है। तो एक तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जो आपको तीनों में कंपैरिजन कराएगा, ठीक है। एक मैंने आपको बताई थी देखो इसके साथ डायज़ोनियम सॉल्ट के साथ, ठीक है। तो डायज़ोनियम सॉल्ट के साथ जब मैंने पाइरोल में रिएक्शन बताई थी, तो पाइरोल में तो डायज़ोनियम सॉल्ट क्या करेगा, मैंने बताया था यहाँ पे तो ये सीधा इसके साथ N2 से जुड़ेगा, N डबल बॉन्ड NaR कपलिंग रिएक्शन देगा। और फ्यूरेन के साथ गोमबर्ग रिएक्शन मैंने बताया था, जब सीधा AR जुड़ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन और इसमें कपलिंग होगी, ओके। तो ये जो रिएक्शन है डील सेलर में ये हुई, ये कंपैरिजन की रिएक्शन है जिसपे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको ये रिएक्शंस भी पता होनी चाहिए, जैसे आप मान लो ये थायोफ्रीन है और थायोफ्रीन की रिएक्शन मैं HgCl2 के साथ कराऊं तो ये HgCl लग जाए। और फ्यूरेन में मैंने बताया था कि इस HgCl को फिर आप कई और लिगेंड से या और क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट से रिप्लेस कर सकते हो ना। ऐसे ही रिएक्शन अगर मर्क्यूरिक एसिटेट HgOCOCH3 के साथ कराऊं तो भी मर्क्यूरेशन हो जाएगा और यहाँ पे HgOCOCH3 लग जाएगा, ठीक है। ऐसे इसकी रिएक्शन अगर ब्यूटाइल लिथियम के साथ करवाएं, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो H है ना यहाँ पे H है, H तो निकल जाएगा इस ब्यूटाइल ग्रुप के साथ, ब्यूटेन बना लेगा और यहाँ आ जाएगा लिथियम। फिर आप इसकी रिएक्शन CO2 के साथ करा दो, CO2 आप बना के देखो इस तरह से CO2, तो लिथियम तो मेटल है तो यहाँ हमेशा नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, ये बना जाएगा, तो इस तरीके से ये सल्फर और ये O नेगेटिव डबल बॉन्ड, जिसे फिर आप वाटर के साथ करवाओगे एसिडिक मीडियम में, है ना, तो वो इसको क्या दे देगा, H+ दे देगा, ऊपर एसिड लग जाएगा। ये रिएक्शन भी आप बता सकते हो ब्यूटाइल लिथियम के साथ, ठीक है। तो ये ऐसे रिएक्शन हैं जो पीछे मैं करवा चुकी हूँ, वही रिएक्शन रिपीट हैं। अब मैं बताती हूँ इसकी थायोफ्रीन की रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। थायोफ्रीन की रिडक्शन रिएक्शन में आप देखो ये थायोफ्रीन है, इसका जब अपन निकल पर H2 के साथ रिडक्शन करवाएंगे, ठीक है, एक अपन करवाते हैं पैलेडियम के साथ, तो देखो और एक इसका रिडक्शन करवा सकते हो आप सोडियम पर लिक्विड अमोनिया के साथ। तो आपने पढ़ा होगा इस वाले रिडक्शन को बोलते हैं वर्ज रिडक्शन,
ठीक है। बर्च रिडक्शन में आपने देखा भी होगा ये जो बॉन्ड्स होती है ना इनकी शिफ्टिंग होती है, रिंग नहीं खुलती ना ही पूरी बॉन्ड सैचुरेट होती है। तो इसमें क्या होता है दो तरह के कंपाउंड बनते हैं बर्च रिडक्शन में, एक तो ये ठीक है और एक बनता है ये। तो इसका नाम तो हो गया 2,3-2,3-dihydrothiophene और इसका हो गया 2,5-dihydrothiophene, ठीक है। ये हो गया बर्च रिडक्शन। पैलेडियम एच टू या निकल, पैलेडियम एच टू में क्या होता है पूरे रिंग सैचुरेटेड हो जाते हैं, ये बात डबल बॉन्ड्स रिप्लेस, डबल बॉन्ड्स के ऊपर एच 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 जुड़ जाते हैं, हाइड्रोजिनेशन होता है, ठीक है। लेकिन निकल एच टू, निकल भी कौन सा, रेने निकल मतलब पाउडर फॉर्म ऑफ निकल। तो रेने निकल और एच टू में रिंग खुल जाती है और रिंग खुल जाएगी आप कह सकते हो सल्फर घट जाता है। इस रिएक्शन को डी सल्फराइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। डीसल्फराइजेशन मतलब सल्फर घट जाता है, सल्फर तो किसके साथ निकल जाएगा, निकल के साथ, और ये पूरी रिंग खुल जाती है CH3, CH2, CH2, CH3, ये लगते हैं ब्यूटेन बन जाएगा प्लस ये निकल गया, ठीक है। तो ये जो ये देखो तीन मैंने रिडक्शन की रिएक्शंस बता दी हैं अलग अलग रिएजेंट के साथ। सोडियम पर लिक्विड अमोनिया में इस तरह के आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है। पैलेडियम एच टू में पूरा सैचुरेटेड लेकिन रिंग बनी रहती है, निकल में रिंग ही हट जाती है क्योंकि सल्फर डीसल्फराइजेशन हो जाता है, निकल सल्फर को लेके निकल जाता है तो रिंग मिल जाती है, ठीक है। ये जो मेथड है रेने निकल वाला ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें कई बार मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के काम आता है। देखो कैसे, मान लो इसी को मैं यहाँ एसिड लगाऊँ और फिर इसके रिएक्शन मैं कराऊँ निकल पर एच टू के साथ, ठीक है, रेने निकल पर एच टू के साथ, तो होगा क्या सल्फर तो ये तो निकल जाएगा निकल सल्फाइड, लेकिन फिर देखो क्या रह जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, 1, 2, 3, 4 पेंटोकैटेनोइक एसिड बन गया। इसी तरीके से अगर मैं दोनों तरफ सब्स्टिट्यूशन करा के रिएक्शन कराऊँ तो फिर ये तो हो गया मोनोकार्बोक्सिलिक, दोनों में दोनों तरफ इस तरीके से रिएक्शन होगी और यहाँ क्या हो जाएगा, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो इस तरीके से ये मोनो और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के भी अच्छा मेथड है डीसल्फराइजेशन वाला। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसकी थोड़ा सा स्ट्रक्चर और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और इसके बॉन्डिंग देखेंगे और फिर अपन बिल्डिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।